गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से, अल्लाह सबकी मुश्किलें खत्म करे, आप सबकी परेशानी खत्म करे, आमीन सुमामी। तो आज है जुम्मा, आज है और आप सबको जुम्मा मुबारक, गॉड टेम्पर जुम्मा मुबारक कर रही हूँ। और आज मैंने ये पहनी हूँ, मैंने आप लोगों को दिन बताई थी जो मैंने स्टिच कराई थी, ये मेरा बहुत टाइम से पड़ा था, लाइक 1.5-2 साल से इसी पड़ा था। सो ये मैंने स्टिच कराई थी, कुरेशिया वाला है पाकिस्तान का, और मुझे कुरेशिया वाले कपड़े बहुत पसंद है। सो बस हो गई जुम्मा नमाज और मेरी कुकिंग भी हो गई। क्या कुकिंग करी आप लोगों को मैं बताती हूँ, चलो। सो आज कुकिंग में क्या बनाई हूँ मैं आप लोग को बता दूँ। आज मैंने बनाई हूँ अंडे प्याज बटाटे का सालन सुखा और मूंग की नरम खिचड़ी। बोले आज कुछ डिफरेंट हो जावे, सो ये बना ली और अब तक खाए नहीं है बच्चे लोग ने। बाद में बता दूँ ये मेरी कढ़ाई का ये ऐसा काला क्यों हो गया मैं आप लोग को बताती हूँ। और ये भी कढ़ाई भी मेरी नवी थी और ये काली हो गई, सो ये मेरी वजह से हुआ क्योंकि ये मैंने डाल दी थी डिश वॉशर में वॉश करने के लिए, जब नवा आया था तो ये हो गया था ये कलर। सब मैं बोली चलेगा, अभी क्या करेंगे। ये मेरी मम्मा ने न्यू भेजे थे इंडिया से कढ़ाई भी और उसका लीड भी, बट मैंने क्या करी, मैंने उसको एक टाइम डाल दी डिश वॉशर में, क्योंकि जर्मन के का बर्तन लाइक ज़्यादातर डिश वॉशर में ख़राब हो जाते और मैंने भूल भूल में डाल दी तो ये हो गया काला। अब मैं बोली चल जाएगा, न्यू थी, एक से दो टाइम यूज़ करी थी और मैंने उसको काला कर दी। ओके मैं आप लोग को चलो बाहर का वेदर अब बाद में उतरेगी इंशाल्लाह तो मैं आप लोग को बताती हूँ। वैसे अभी बैलकनी में मैं निकलती नहीं हूँ इसके लिए क्योंकि यहाँ गर्मी में बहुत सारे लाइक फ्ला मच्छर और शिपलक ऐसी सब चीज़ें आती है और मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि गर्मी भी होती है और गर्मी में बहुत सारे मच्छर और शिपलक भी आ जाती है बड़ी बड़ी, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं जाती ही नहीं हूँ बैल्कनी में, गर्मी में जाने का दिल होता है बट जा नहीं पाती हूँ, कभी कभार हिम्मत करके चली जाती हूँ। तो चलो फिर मिलती हूँ आप लोग से। तो बस यहाँ पढ़ रही थी मैं नमाज और ये असर की नमाज में पढ़ रही थी, फिर असर की नमाज मेरी डन हुई, फिर उसके बाद थोड़ा वॉकिंग करके आई। एमन बैठ के मेरे साथ थोड़ी मस्तियाँ कर रही थी क्योंकि ये फ्री टाइम था इवनिंग का। फिर उसके बाद फैसल आ गए थे और फैसल ने सब थोड़ी सी ग्रोसरी मुझे मंगाना था वो सब लेके आ गए थे, नॉर्मल सब लाइक दही और बटर ये सब खत्म हो गया था तो ये मैंने मंगवा ली थी और ये सब मैं अभी इसको रख रही थी। ओके सो गाइज अभी आप लोग ये व्लॉग लास्ट तक देखना, इंशाल्लाह आप लोग को लास्ट में देखने मिलेगा, आप लोग टाइटल से समझ गए थे तो मैं कहाँ गई थी और क्या कराई आप लोग को मैं बताऊँगी। और ये सब मेरी ग्रोसरी थी, फिर हो गया था नेक्स्ट डे। तो ये नेक्स्ट डे इवनिंग का है और नेक्स्ट डे इवनिंग फैसल आए थे और मुझे जाना था, बच्चे लोग क्या लेने जाना था मुझे, हाँ मुझे जाना था टारगेट कुछ काम से, तो मैं जा रही थी और यहाँ मैं अपना बैग ले रही थी और मैं गई फिर फटाफट फैसल के साथ जो भी मेरा काम था वो पटा के और जल्दी से आ गई थी। उसके बाद वापस से हो गया था नेक्स्ट डे और ये नेक्स्ट डे था, मैं और रेंज जा रहे थे मॉल, हम लोगों को चिल्ड्रन प्लेस से कुछ एमन के लिए सामान लेना था। तो आज मैं आप लोग को चिल्ड्रन प्लेस भी बताती हूँ, आज मॉल आप लोग को ज़्यादा मैंने नहीं घुमाई हूँ। और हम लोग निकले और बारिश होने लगी सो थोड़ा वेदर बहुत अच्छा लग रहा था, मैं आप लोग को थोड़ा सा बाहर से बता रही थी। और बस आ गए थे मॉल में और जा रहे हैं, सबसे पहले जा रहे हैं चिल्ड्रन प्लेस। आप लोग को लगेगा मैं हमेशा यही वाले मॉल आती हूँ, मैं इसके लिए ये मॉल आती हूँ क्योंकि ये मेरे घर के बहुत नज़दीक है और बाकी सब दूर है, इसके लिए ये मुझे बेस्ट लगता है और अच्छा होता है तो मैं इधर आ जाती हूँ। और यहाँ है चिल्ड्रन प्लेस, हम लोग चिल्ड्रन प्लेस बहुत अच्छा होता है, लाइक यहाँ बच्चों के सेल के कपड़े कभी कभी बहुत अच्छे में मिल जाते हैं, लाइक $2-2 में $3-3 में भी मिल जाते हैं। तो मैं बोली चलो एमन के लिए थोड़े कपड़े गर्मी के लेके रख लेती हूँ, वैसे तो फैसल ने भी लेके आए थे बीच में और मैंने बोली थोड़े से और ले लूँ तो सेल अच्छा है तो ले लूँ, वरना सेल नहीं होता है तो यहाँ बहुत कॉस्टली होते हैं, लाइक सिर्फ ऐसे शॉर्ट्स और लाइक तीन तीन का सेट वाले वो भी मतलब $20-18 ऐसे होते, तो सेल में कभी कभी अच्छे मिल जाते, तो हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए थे एमन के लिए। तो मैं यहाँ देख रही थी एमन के लिए शॉर्ट्स, ये तीन वाला सेट था बस, ये मुझे थोड़ी बड़ी लगी। और उसके बाद मैंने एक डबल वाला सेट एक ले लिया एमन के लिए, दो शॉर्ट्स का, और फिर मैंने डेनिम की एक दो ले ली थी, ये वाला मैंने ली थी जो आप लोग को लास्ट बताई। फिर उसके बाद हम लोग का डन हो गया था और मैं आ गई थी बाहर, तो ये हो गया था फिर से नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे क्या हुआ था, मैं कहाँ गई थी मैं आप लोग को बताती हूँ। रामिस मामी, सो बस हो गए लाइक बजे 2:30 और मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आप लोग को बताती हूँ, चलते हैं फिर मैं आप लोग को बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और बच्चे लोग ये रही नुमान एमन नहीं आ रहे, मैं ऑरेंज जा रहे और कहाँ जा रही हूँ मैं आप लोग को बताती हूँ, चलो फिर निकलते हैं। तो यहाँ मेरे बाल ड्राई हुए तो मैंने बाल बना ली थी और यहाँ हुरेन भी रेडी हो गई थी और बस अभी हम लोग निकल ही रहे थे। Thank you.
ये पहुंच गए हम लोग जहाँ आना था हम लोग को। ये कूल कट्स, ये पार्लर है। और मैं यहाँ आने के बाद, यूएसए आने के बाद लाइक सेकंड टाइम शायद पार्लर आई हूँ, नहीं तो मैं पार्लर ज़्यादा आती नहीं। और मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ मैं आप लोगों को बता दी, और ये देख के आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि मैं क्यों आई हूँ। सो मैं यहाँ चूज़ कर रही थी मेरे हेयर के लिए कलर, और मैं यहाँ वेट कर रही थी क्योंकि वो बिज़ी थे। और फिर वो आने के बाद हम लोग बात किए, और सबसे पहले मेरा हेयर कट शुरू हुआ। और माशाल्लाह बहुत अच्छे जो पार्लर वाले हैं उनके जो लाइक मेन है, और उन्होंने ही मेरा हेयर कट और कलर किया। और स्टाफ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से लाइक उन्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा मेरा सब कहाँ हुआ। लाइक साढ़े तीन घंटा हम लोग को लगा, बट बहुत अच्छा लगा उनसे बातें करके, बहुत मज़ा आई। सो बस यहाँ मेरा हेयर कट हो गया था। अब कर रही थी हुरेन का, पहले हेयर कट कर रहे थे तो हुरेन का भी मुझे थोड़ा शॉर्ट कराना था, मेरा तो नहीं कराई थी ज़्यादा। और मैं यहाँ हेयर ड्राई कर रही थी क्योंकि इसके बाद मेरा कलर शुरू होने वाला था। और ये था हुरेन का हेयर कट, और मैंने भी लेयर्स कराई थी बट मैंने शॉर्ट नहीं कराई क्योंकि मुझे शॉर्ट हेयर नहीं करना था, तो मैंने यही लॉन्ग में थोड़ी सी लाइक ऐसी स्टाइल दे दी बस, और कुछ भी नहीं। और यहाँ मेरे कलर की तैयारी चल रही थी और फिर कलर लगा रहे थे यहाँ। सो हुरेन ने माशाल्लाह पूरी वीडियो अच्छे से लाइक ले ली थी, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं ये सब कलर करा रही थी, तो हुरेन को मैंने बोली थी ज़रा लेने के लिए। और यहाँ मेरा कलर डन हो गया था, और ये मेरे थोड़ा वेट कर रही थी अभी कलर के लिए। और उसके बाद यहाँ सब करने के बाद ये कलर मैंने ये टाइम ग्लोबल कराई थी, मैंने हाईलाइट नहीं कराई थी। तो मैं जब इंडिया में थी तो मैंने 3 से 4 टाइम कलर कराई थी, बट मैं वहाँ हाईलाइट कराई थी, मतलब 3 से 4 टाइम हमेशा हाईलाइट ही कराई हूँ। तो ये टाइम मैंने सोची कि थोड़ा सा डिफरेंट कलर कराऊँ, तो मैंने बोली ग्लोबल करना था मुझे, बट मुझे समझ में नहीं आता था कि कौन सा कलर। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किए कि ना लाइक तुम हाफ ऊपर जो है वो ब्राउनिश पे लाइट करो और नीचे गोल्ड करो, कि ऊपर लाइक पूरा गोल्ड अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा एकदम ऑकवर्ड लगता है, मुझे वैसे नहीं पसंद। तो मैंने ऊपर जो करी वो लाइट करी जो दिखने में इतना नेचुरल लग रहा था, और नीचे का था गोल्डन। तो यहाँ मेरा कलर डन हो गया था, और माशाल्लाह इन्होंने उन्हें लाइक अच्छे से ड्राई भी कर लिए थे और कर्ल भी करके मुझे थोड़ा सा दिए थे कि थोड़ा अच्छा लुक आवे। और बहुत माशाल्लाह अच्छा कलर किए उन्होंने, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ बस मेरा हो गया था डन, और ये था मेरा फाइनल लुक। सो गाइज़ मैं आ गई थी पार्लर से, लाइक मुझे आके थोड़ा टाइम हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स करी, फिर मैं बोली आप लोग को वो कर दूँ। तो मैं गई थी पार्लर में हेयर कलर के लिए, आप लोगों ने देखे होंगे मेरा हेयर कलर, और थोड़ा सा हेयर कट भी करा लिया। और हुरेन का भी हेयर कट कराना होता तो वो भी हो गया है। और ये सब मैं क्यों कर रही हूँ मैं आप लोग को इंशाल्लाह जल्दी बताऊँगी, और आप लोग को मेरा कलर कैसा लगा तो ज़रूर बताना। तो पार्लर से आई, फिर सबका थोड़ा आराम करी, फिर सब चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे रख रही थी। और कुकिंग तो मैंने एक दिन पहले ही लाइक कबाब बना के रख दी थी, तो मैं बोली रात को बना लूँगी। दोपहर में तो नुमान ने लाइक सब खा लिया था, हम लोग ने लाइक चीज़ टीक ये सब लेके आए थे। और यहाँ अमन आराम कर रही थी, और यहाँ हुरेन हेयर कट बता रही थी खुद का मेरे को वापस से। ओके सो गाइज, अभी हमारा व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, फिर मिलेंगे।